मेड़ता नगर पालिका के अध्यक्ष गौतम टाक 3 जून से अवकाश पर जाने के कारण मेड़ता नगर पालिका के कांग्रेस पार्षदों की मौजूदगी में उपाध्यक्ष सलीम मोइन अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया। मेड़ता नगर पालिका के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने पर पार्षदों ने साफा एवं माला पहनाने के साथ मुंह मीठा कराकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान चेयरमैन गौतम टॉक से नाराज चल रहे दिलीप माली सहित अनेक पार्षद भी मौजूद थे। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अपने निजी कारणों से शहर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने रूटीन चार्ज एक प्रोसेस होता है, जब अध्यक्ष नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष उस कार्यभार को संभालता है, उस इसलिए उन्होंने मुझे ये चार्ज दिया है अग्रिम आदेश से। ये कार्यभार के रूप में है या क्या है आपका? फुल चार्ज। अब क्या ये योजना है, अब आपने कार्यभार संभाला? पिछले दिनों से उठापटक चल रही है, बिना किसी पूर्वाग्रह के तमाम पार्षदों को चाहे सत्तापक्ष के हो या विपक्ष के हो एक साथ एकजुट होकर मेड़ता के शहर के विकास के हित में काम करूँगा, चाहे कोई भी पार्षद किसी पार्टी तमाम 40 वार्डों में जो हमारे कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद हैं, हम इस आधार पे इस वरीयता के आधार पे काम करेंगे जहाँ वास्तव में काम की डिमांड है। हम ये नहीं देखेंगे कि ये बीजेपी का पार्षद है या कांग्रेस का पार्षद है, जो विकास की हमारे मेड़ता में जितनी जरूरत है, नारे हैं, सड़क है, और जहाँ जहाँ हमारी जो सड़कें टूटी हुई है, पेजिंग वर्ग है, वो हम वरीयता के आधार पर काम करेंगे और सभी पार्षदों को एक साथ लेकर के काम करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है, पूरे नगरपालिका स्टाफ के साथ भी, उनके साथ भी कोऑपरेट बना के सहयोग से उनके सहयोग से हमें और समा पार्षद सहयोग से पूरा कार्य करूँगा। सलीम साहब, पार्षद से उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष से आज अध्यक्ष कैसे महसूस कर रहे हैं? क्या देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा खुश होने की बात नहीं होती है, तो आम आदमी आम आदमी हूँ, और जब पार्षद बनता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष रूप में से ही बनता है, और आज मैं हूँ या कल कोई और होगा, तो इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा खुशी की ज़्यादा गम की बात मैं नहीं समझती। दिनों में दो प्रेस वार्ता हुई, इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी अगर अनियमितता जो पाई गई है उसके लिए जो कार्य में चल रही है वो उस पर सरकार देखेगी, और उसके बाद में जो भी होता है उसके अदालत जो अगर गलतियाँ होंगी तो उसको सरकार देखेगी, उसके बाद में जो होगा देखा। थैंक यू।